क्रिकेट की खबरों के लिए इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। अगर बात करें न्यूजीलैंड की टीम की, हर जो फैन से यहाँ पर बात भी हो रही है, हालांकि वो वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल था, कि वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के हार का बदला भी लेना है, तो इस तरह की कोई बात कि बदला लेना है यार इनके अगेंस्ट, इनको हराना है, पटकना है इनको, तो शमी एग्रेसिव और फास्ट बॉलर जो होता है वो सबसे एग्रेसिव होता है, और फास्ट बॉलर जो है वो होता है ना जोश की पुड़िया होते हैं टीम के, हालांकि विराट कोहली और इनमें ऐड हो गए आप लोगों के साथ, तो ये फास्ट बॉलर्स के दिमाग में क्या आता है ऐसे? अगर देखा जाए तो मैंने कि फास्ट बॉलर्स बहुत एग्रेसिव हैं वर्ल्ड में, आपने देखा ये पुराने भी और नए भी हमेशा चढ़ जाते हैं बैट्समैन के ऊपर, लेकिन हम बैट्समैन है जो बैट्समैन चढ़ जाता है दूसरे के ऊपर, वो हमारा खुद का कैप्टन है, तो कभी कभी वो सवाल करता हूँ भाई, जब फोटो आती है नेट पे, जब ट्रोल होती है, जब सर्कुलेट होती है चीजें, तो कभी कभी आती है नहीं बन के आती है तो बहुत आती है, मैं उससे कभी कभी पूछ लेता हूँ विराट से कि भाई ये विकेट तुमने ली थी या मैंने ली थी, क्योंकि कुछ पिक्चर्स में ऐसा होता है कि जब बॉलर विकेट ले रहा होता है ना, और उधर से पीछे से सामने से जब कैमरा लगता है तो विराट स्टंप के ऊपर जब मारे हुए होता है, तो हमारा कैप्टन बहुत एग्रेसिव है, बॉलर से ज्यादा सेलिब्रेशन उसको चाहिए होता है, वो करता है सेलिब्रेशन, तो कभी कभी होता है ना लाला यार ऐसे तुम लगा तुम्हें खुशी नहीं है विकेट में, तुमने बना ली ना सारी सेलिब्रेशन, लेकिन शमी तो मजाक चलती रहे तो ये बहुत जरूरी होता है ऐसे टीम ऐसे यूनिट के आप फन करें ग्राउंड पे, आप जितना रिलैक्स रखेंगे अपने दिमाग को उतना अच्छा रहता है, और ऐसे कैप्टन वो बहुत फन करता है, बहुत ऐसा नहीं है कि एग्रेशन तो दिखाता है लोगों को, दिखता भी है और दिखाता भी है और करता भी है, लेकिन ऐसे यूनिट बहुत अच्छा उसने संभाल के रखा है, लेकिन हाँ हमारे पास एक बैट्समैन भी है जो एग्रेसिव है। और जिस तरीके से शमी भाई आपने पूरा जो एपिसोड बताया अपने कप्तान को लेकर, तो ये अब समझ आ रहा है कि किस तरीके से जो आपकी रिलेशनशिप है इस टीम में, कैप्टन सिर्फ तौर पे नहीं है विराट कोहली, शायद कहने कि एक भाई के तौर पे है, बड़े भाई के तौर पे है, या एक दोस्त के तौर पे शायद विराट कोहली, और थोड़े से कुछ ये इसका जवाब देते थे, कोई वाक्य भी बताइएगा, बहुत मजा आ रहा है आपके साथ हंसी मजाक करने में। देखो मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, बहुत जरूरी होता है कि आप एज ए कैप्टन जब आप बोल डाल रहे होते हैं, कोई कैप्टन आपके साथ होता है तो आपको आप पंप अप होते हो, आपको कॉन्फिडेंस और हाई होता है, बहुत जरूरी होता है कि आपका कॉन्फिडेंस और आपका क्लियरिटी माइंड में होनी चाहिए कि जो मैं आप बोल डालने जा रहा हूँ मेरा कैप्टन मेरे साथ है, अगर बाउंड्री में 6 भी लगेगा तो कैप्टन मेरे साथ है, तो उसमें बहुत फर्क हो जाता है, उसमें बहुत सारा मतलब कहते हैं ना अच्छा कॉन्फिडेंस मिलता है, पॉजिटिव मिलता है आपको, तो बहुत जरूरी होता है। अगर देखते हैं तो विराट ने लास्ट के 4-5 साल में जो ग्राफ देखा है, आपने जो इंडियन क्रिकेट का जो रिजल्ट देखे हैं, वो आपको दर्शाते हैं कि उसने कैसे मैनेज किया। मैदान पर जब विराट का बल्ला चलता है तो खबर बनती है, और क्रिकेट की हर खबर बताते हैं हम आपको इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर, तो जरूर करें सब्सक्राइब और भूलें ना बेल आइकन दबाना, जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।